बेटा दवाइयां तो ला दे। दवाइयां मंगवाएं सबसे तेज अपने भरोसेमंद नजदीकी मेडिकल स्टोर से। आज ही आयो ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। बेटा दवाइयां नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है और सर्दियां दस्तक दे रही हैं, वैसे वैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। नवंबर में कोरोना एक बार फिर परवान चढ़ रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों से राजस्थान में रोजाना करीब 2000 लोग महामारी की जद में आ रहे हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा एक बार फिर 20,000 के पार जाता नजर आ रहा है। वहीं लोगों में घोर लापरवाही नजर आने लगी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क मजाक बनकर रह गया है। जान बचाने की जद्दोजहद में लोग जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक क्यों बढ़ा कोरोना का कहर? ये लापरवाही का है नतीजा या फिर बदलते मौसम का है असर? यार भाई साहब क्या बातें कर रहे हो यार, टाइम मिल जाता है तो लगा लेते हैं। अगर आवाज लगाने का धंधा, अपने बीमारी शायरी आती नहीं है ना। जगह रखा जिम में रखा, अभी बात करने में रखा हो गया, इसलिए रख दिया। काला काम करते हैं ना। मौसम के कारण या फिर है लापरवाही, क्यों काबू में नहीं आ रही है महामारी? कोरोना का कहर कब तक रहेगा बरकरार? कब खत्म होगा वैक्सीन का इंतजार? और सबसे बड़ा सवाल, कब और कैसे काबू में आएगा कोरोना? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान, चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ एक कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी, बहुत स्वागत है राम नारायण जी आपका। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। जोधपुर ट्रैफिक पुलिस के एडीसीपी नाथू सिंह भाटी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है नाथू सिंह जी आपका बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राम नारायण जी आपसे। ये देखिए, जब कोरोना आया इसके बाद इंतजामों को लेकर लगातार सवाल विपक्ष सरकार के लिए उठाता रहा, विपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि आखिर इस दौरान क्या किया गया। लेकिन अभी जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वजह उसको लेकर आप मानते हैं? क्या व्यवस्थाएं नहीं है या लापरवाही आम जन की है या फिर मौसम की वजह से? श्वेता जी, सर्दी का समय आ गया और ये सही है कि सर्दी में कोरोना का कहर बढ़ता है और लोग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कोरोना कम हो गया था, इसलिए लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को विमुक्त कर लिया। लेकिन ये बहुत जरूरी है हम सबको मिलकर के। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार उतना सब कुछ कर रही है जो उसको करना चाहिए। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में पूरा ध्यान दें तो निश्चित तौर पे हम कोरोना से जीत पाएंगे। हालांकि विदेश में अमेरिका, चीन, रशिया, ब्रिटेन, इनमें इंजेक्शन ईजाद हो गए हैं, हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है। तो ये चीज़ हमें करना चाहिए और निश्चित तौर पर हम लोग सतर्क रहेंगे तो कोरोना पे हम काबू पा सकते हैं। लेकिन यही बात है राम नारायण जी कि सतर्क अभी तक है ही नहीं, आम जन तो सतर्क नजर आ ही नहीं रहा है, लापरवाही साफ नजर आ रही है। आंकड़े बढ़ने की वजह तो कहीं ना कहीं यही है। संदीप शर्मा जी, आप क्या वजह मानते हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? और अगर 1 तारीख से आज 19 तारीख तक की बात की जाए, सबसे ज्यादा आज पॉजिटिव केसेस सामने आए 2500 के आसपास, कैसे इन आंकड़ों को रोका जाए? कहां पर लापरवाही आपको नजर आती है जी? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। कोरोना की दूसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है। आरोप और प्रत्यारोपों का विषय नहीं है। आवश्यकता है बहुत गंभीरता के साथ प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की सशक्त करने की, और जो आज देखने में आ रहा है कि काफी बड़ी तादाद में लोग बाग संक्रमित होकर पुनः अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन ना काफी संसाधन, क्योंकि बड़ी आवश्यकता रहती है वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन प्लांट्स की, पर्याप्त मात्राओं में दवाइयों की, चिकित्सा कर्मियों की, और इन सारी चीजों में आज राजस्थान को बड़ी निराशा, लोगों को बड़ी निराशा हाथ लग रही है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से वेंटिलेटर केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए, अजमेर में 74 वेंटिलेटर वो सारे के सारे अस्पताल में खराब स्थिति में पड़े हुए, वो चालू नहीं है।
हालात यहां तक है कि जो अजमेर के CMHO है वो अपना इलाज प्राइवेट चिकित्सालय में करा रहे हैं, तो ऐसा क्यों रहा है संदीप जी? ये आप व्यवस्थाओं को लेकर बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थाओं को आप लेकर बोल रहे हैं कि कहां पर कहां कमियां हैं, कहां पर चीजें दुरुस्त नहीं की गई हैं, जिस वजह से लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है। लेकिन उससे पहले का जो स्टेप है वो ये है कि पॉजिटिव हो ही क्यों, क्यों कोरोना की जद में आए, उससे पहले हमें क्या करना है, उसे लेकर जो संजीद की नजर आनी चाहिए थी आम जन में वो नजर नहीं आ रही है। पॉजिटिव केसेस बढ़ इसलिए रहे क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही है, ये तो आप मानेंगे? बहुत बड़ी आवश्यकता थी, बिल्कुल बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि लोगों ने लॉकडाउन हटने का मतलब ये मान लिया कि संक्रमण राजस्थान से चला गया। सरकार को आगाह करने की आवश्यकता थी कि लॉकडाउन हटाए लोग बाग सावधानी और सतर्कता बरते हुए अपने नित्य प्रति के कार्य को जारी रखें और बहुत सावधानी के साथ वो लोगों के बीच में अपने कार्य को निपटा कर ठीक है और अपने घर पर सुरक्षित रहे। लेकिन लोग अनलॉक होने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं, कहीं पर संजीद की नजर आती है तो ज्यादातर आज ही हमने रियलिटी चेक किया उसमें भी कई तस्वीर ऐसे साफ हुई है। हमारे साथ जोधपुर ट्रैफिक पुलिस के ADCP नाथू सिंह भाटी जी भी लगातार बने हुए। नाथू सिंह जी, देखिये लॉकडाउन जब हुआ ट्रैफिक पुलिस की अहम भूमिका रही है और लगातार पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है कि लॉकडाउन की पालना हो। इसके बाद जब मास्क, राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना जिसने मास्क अनिवार्य करने को लेकर कानून लेकर आए, मुख्यमंत्री देश के लगातार यही बोल रहे हैं कि मास्क लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, दो चीजों को पालना कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी सर जब आज रियलिटी चेक किया हमारी टीम ने, हर जगह की हम बात कर रहे हैं, वहां पर लोग बेफिक्र होकर मास्क गले में है, कान में है, लेकिन मुंह और नाक ढका हुआ नहीं है, बिल्कुल लापरवाह है। और जब उनसे पूछा गया आपको डर है कोरोना का, किसी को कोई डर ही नहीं है। अब पुलिस इसमें कैसे भूमिका निभाएगी, कैसे आप लोगों को सख्ती के लिए मजबूर करते हैं या हिदायत देते हैं, क्योंकि कानून तो यहां पर भी है। सर, जोधपुर के संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि हमारे अधिकारियों के आदेश से सरकार की मंशा के अनुरूप हम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस एक अलग लगा के रखा हुआ है। अलग से मेरा अभिप्राय ये है कि हर चौराहे पे हमारे उस अधिकारी DCP लेवल के अधिकारी मास्क के प्रति, उनको जिनके मास्क नहीं पहने हुए उनको मास्क पहना करके और एक सकारात्मक और गांधीवादी ये संदेश देना चाहिए कि आप इसको पहनिए। वैसे का वैसे सैनिटाइजेशन के संदर्भ में है और उसी अनुरूप जो हैं वो आम लोगों को शिक्षित करने के अनुरूप हैं कि इस मास्क की क्या अहमियत है और इस महामारी में इस मास्क को पहना जाए। ये एक जब से कोरोना महामारी 23 मार्च के जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक अलग के रूप में इस कार्य को किया है। इसके संदर्भ में जो महामारी अध्यादेश है इसके तहत में जो इसकी जानबूझ के पालना नहीं करते हैं उसके लिए मुकदमे भी दर्ज किए हैं, कार्रवाई भी करते हैं, उनके तहत MV Act के तहत भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आम आदमी को सबसे पहले शिक्षित करने का जो कार्य है वो एक जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार सरकार की मंशा अनुरूप हम एक अलग के रूप में रहते हैं और आम आदमी को ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि ये स्विक सेंस लीजिए, आप खुद इसके प्रति जागरूक रहिए। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून काम करने से पहले हमारी मंशा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन किया जाएगा, वो खुद ये महसूस करें कि इसके बारे में हमें क्या करना है। सर, बिल्कुल ये एक अच्छा कदम है। देखिए अच्छा कदम है गांधीवादी तरीके से, लेकिन जब एक लंबा वक्त बीत जाए सर और इस तरीके से अगर लोग माने ना तो फिर सख्ती बरतना भी जरूरी हो जाता है। और ये अच्छी बात है कि जोधपुर के कमिश्नरेट की तरफ से जरूर आपने कहा कि आप लोग ये अलग जगा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि कितना जरूरी ये मास्क है, लेकिन लोग भी समझें ये भी जरूरी हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुलाटी जी हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पंकज, देखिए शुरुआती तौर से जब से लॉकडाउन हुए या जब से कोरोना आया हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्टेज आ गई है, कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर है, लगातार पॉजिटिव केसेस जो अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या वो कौन सी वजह है जिस वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं है, लापरवाह हो गए हैं और इसलिए जद में आ रहे हैं कोरोना की? डेफिनेटली लोग लापरवाह हो गए हैं, इसीलिए डिजीज इतनी ज़्यादा फैल रही है। हम ये बहुत आम से बातें हैं जो हम बार बार देख रहे हैं। लोग मास्क पहनते हैं, उसको गले में लगाते हैं। मास्क वो इसलिए पहनते हैं ताकि उन पे चालान ना हो जाए या उन पे सजा ना हो जाए।
पर वास्तविकता नहीं है। मास्क को प्रॉपरली यूज करना जो एक एक सेंस होता है, एक रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होते हैं, उसी की तरह करेंगे तभी फायदा होगा। मास्क को प्रॉपरली लगाएं, उसको बार बार गले में ना डालें। इस कई चीज़ें देखने को आती हैं कि अगर किसी को खांसी जुकाम है या कोई तकलीफ है, उसको कुछ खांसी होती है, तो पहले मास्क हटाता है फिर खांसता है और वापस से मास्क ऊपर चढ़ा लेता है। इस तरह से वो डिजीज को और ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं और फैला रहे हैं और खुद भी अनहाइजीनिक तरीके से उनको यूज कर रहे हैं। तो ये एक एक सेंस है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है और जितना जल्दी लोगों में डेवलप हो जाएगा शायद इस डिजीज का स्प्रेड कम हो जाएगा। इन सब के बावजूद भी संभावना है कि कोई भी इस इन्फेक्शन को एक्वायर करे, पर लापरवाही की वजह से अगर इन्फेक्शन इतना फैल रहा है तो डेफिनेटली सबको समझना पड़ेगा और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी अपनी। देखिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। उस वक्त भी चलिए ठीक है, पहले लॉकडाउन था, फिर अनलॉक हुआ, केसेस बढ़ने लगे, ये भी कहा जाने लगा कि टेस्टिंग बढ़ी है इसलिए मामले ज़्यादा आ रहे हैं, पहले टेस्टिंग कम होती थी। लेकिन अभी जिस तरह से डॉक्टर गुलाटी, अब ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में लापरवाही वजह है या फिर मौसम की वजह से भी एक इसका इम्पैक्ट है? देखो, केवल एक वजह को बोल देना ठीक नहीं होगा। सारे के सारे रीजन है जो क्यूमुलेट हो गए हैं। लोगों में लापरवाही बढ़ी है, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। त्यौहार का सीजन गया है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ा है, सर्दी बढ़ी है सर्कुलेशन में। ठंड के मौसम में वायरल डिजीज का स्प्रेड वैसे ही ज़्यादा होता है क्योंकि एयर का सर्कुलेशन कम हो जाता है, हम क्लोज रूम में रहते हैं। और अब दूसरी, ये सारी वजह है, किसी एक वजह को कारण बना लेना कि इसी वजह से ही ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी की सारी वजह है जो एक साथ मिल गई है और अब कोरोना हमारे सामने व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रामनारायण मीणा जी, देखिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं जागरूक करने के लिए, लोगों को जन आंदोलन भी यहाँ पर मास्क को लेकर और कोरोना की गाइडलाइन की पालना को लेकर चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई कमी है या फिर लापरवाही आम जन की है इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, या फिर व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है वो भी एक वजह है? देखिए श्वेता जी, राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ मुख्यमंत्री जी ने इसको मास्क को अनिवार्य किया, कानूनी रूप दिया, और ये कहना कि सरकार कहीं नेगलिजेंट है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आम पब्लिक यदि नेगलिजेंट रहेगी, उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, सख्ती से पालन किया जाएगा तो स्वतः ही नेगलिजेंसी खत्म हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जितना ये स्प्रेड होगा उतना हमें नुकसान होगा। तो सरकार ने जो कानून बनाया उसकी पालना पुलिस को भी करनी चाहिए, आम नागरिक को भी करनी चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जी श्वेता जी, लेकिन लापरवाही किस स्तर पर है? आपने कहा कि सरकार तो कर रही है, ठीक है, पालना सबको करनी चाहिए, यानी आप ये मानते हैं कि सिर्फ लोग लापरवाह हैं, वो समझ नहीं रहे इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं? और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, व्यवस्थाओं को लेकर, इंतजामों को लेकर हॉस्पिटल में? ये व्यक्तिगत स्तर पर लापरवाही है, नहीं व्यक्तिगत स्तर पर लापरवाही है, और हॉस्पिटल में सब इक्विपमेंट्स सब है, उपलब्ध है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। ये कहना कि साहब वो CMHO के दूसरी जगह इलाज करा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पूरी सुविधाएं अजमेर में भी है, हर हॉस्पिटल में है, एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहाँ सुविधाएं इक्विपमेंट्स नहीं हो, सब सही स्थिति में। लेकिन रामनारायण जी, कई जगह से शिकायतें ये भी आई कि बेड ही खाली नहीं है, बेड मिल नहीं रहे हैं, अगर आपकी पहुंच है तो आपके लिए फिर सुविधाएं हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी कहीं पहुंच नहीं है तो आप बेड के लिए तरसते रहते हैं, हॉस्पिटल घूमते रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है, ऐसे भी शिकायतें हैं। क्या ये सब लेकर आप तक जानकारी पहुंची है? क्या इस तरह की शिकायतें आप तक पहुंची है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी सरकार के ध्यान में आएगा, निश्चित तौर पे बेड भी बढ़ेंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, सरकार किसी भी कीमत पे कहीं कोसताई नहीं करेगी, आम आदमी को, आम मानस का इलाज सही ढंग से और कोरोना से मुक्त हो, ये सरकार का बिल्कुल दायित्व है जिसको पूरा कर रही है। ठीक है, संदीप शर्मा जी, देखिए सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही, रामनारायण जी ये कह रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी है ये कहा जा रहा है, लापरवाही आम जन की है, जब तक वो सजग नहीं होंगे ये आंकड़े बढ़ेंगे, ये भी बात सामने आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सख्ती और बरतने की जरूरत है? अगर गांधीवादी तरीके से लोग नहीं मानते हैं, समझाने पर नहीं मान रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है? डर से ही सही, कम से कम रूल्स तो फॉलो करेंगे। देखिए, आज जो स्थिति है देश के तमाम महानगरों में, जयपुर ने आज तीसरे नंबर पर संक्रमित लोगों का रिकॉर्ड बना लिया है, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है
कि जनता जनार्दन तक अगर सरकार सतर्कता और सावधानी का संदेश नहीं पहुंचा पा रही है और लोग आज लापरवाह है, तो कहीं ना कहीं हमारी इसमें कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। और इसको पूरी सतर्कता बरतते हुए लोगों तक ये संदेश क्यों नहीं पहुंच पा रहा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, संक्रमण खत्म नहीं हुआ, इसके लिए हमें सावधान और पूरी तरीके से, जो लोग आज हमने देखा कि पूरी तरीके से निरंकुश होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, इसके लिए सरकार ने जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही की है। और कैसी लापरवाही संदीप जी, कैसी लापरवाही? अब प्रदेश के मुखिया तो लगातार ये कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जन आंदोलन चलाया जाता है, जितने फोन, कैसे कैसी लापरवाही है जो सरकार की तरफ से है आप देखते हैं जी? एक तो ये संक्रमण ना हो, संक्रमण ना हो उसके लिए प्रॉपर संदेश संस्थाओं के द्वारा, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये प्रॉपर संदेश लोगों तक पहुंचे, मीडिया के द्वारा पहुंचे और तमाम लोगों तक ये जागरूकता पहुंचनी चाहिए कि ये जो वर्तमान संक्रमण कोरोना का संक्रमण है वो बड़ी भयावह स्थिति में आ गया है। क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस तरीके से अब तेजी से लोगों के अस्पताल में एडमिट होने के लिए टेलीफोन आने लगे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, जनता त्रस्त है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उन्हें प्रॉपर दवाइयां नहीं मिल पा रही, इन सब चीजों को सरकार को बड़ी गंभीरता और गहनता के साथ इसमें देखना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा आगे दिसंबर और जनवरी में और बुरी स्थिति हमें, क्योंकि जो लोग डायबिटिक हैं जिनकी, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, जो आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाओं की जहां पर कमी है, जहां पर लोग व्यवस्था की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर जहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही उस वजह से लोगों की जान अगर जा रही है तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल अहम बात है। नाथू सिंह भाटी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नाथू सिंह जी, देखिए एक अच्छी पहल जो जोधपुर की तरफ से आपने कहा कि जोधपुर कमिश्नरेट में कोशिश की जा रही है आमजन को जागरूक करने को लेकर, गांधीवादी तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन नाथू सिंह जी आपको ऐसा नहीं लगता कि, या आपको ऐसी जरूरत लगती है कि अगर लोग समझ नहीं रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोरोना को वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं आज हमने देखा भी रियलिटी चेक में कि लोगों की सोच क्या है कोरोना को लेकर, मास्क भी वो तब लगा रहे थे जब देख रहे थे कि कैमरा उनके सामने आया है तो वो जल्दी से मास्क लगाने लग रहे थे, वरना किसी के गले में है, किसी के कान में लटका हुआ है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की तर्ज पर यहां पर भी कानून में सख्ती कर देनी चाहिए, जैसे वहां पर मास्क ना लगाने पर 500 की जगह 2000 जुर्माना कर दिया गया है, ऐसे कुछ कदम क्या राजस्थान में भी उठाने की जरूरत है? सर 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 मेरा यही निवेदन है कि जो मैंने निवेदन किया गांधीवादी वो तो समझाइश का भाग था, बकायदा विधि सम्मत कार्रवाई जोधपुर में हुई है। जोधपुर के तहत कोरोना महामारी के तहत जो है वो लगभग 403 मुकदमे इसके संदर्भ में दर्ज हुए हैं और लगभग 672 व्यक्तियों को इस एक्ट के तहत जिन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया उनकी गिरफ्तारी की गई है। और सिर्फ कोरोना एक्ट ही नहीं, इसके साथ में और निरोधात्मक धाराओं के तहत और विभिन्न अन्य धाराओं के तहत जो है वो 13 इस जोधपुर कमिश्नरेट में, यानी जो इस कोरोना महामारी के संदर्भ में जिन्होंने उल्लंघन किया वो 1318 व्यक्तियों की इस संदर्भ में गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, इस महामारी अध्यादेश के तहत जो है लगभग जोधपुर कमिश्नरेट के क्षेत्र में, यानी ईस्ट और वेस्ट को मिला करके, और लगभग 57,000 जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के इसी के तहत उस चालान की कार्रवाई की गई। ठीक है, मेरा नाथू सिंह जी, नाथू सिंह जी, ठीक है, कार्रवाई की गई, सख्त की गई, लेकिन नाथू सिंह जी इसका असर जो बनती है सर इसका, बिल्कुल नाथू सिंह जी बिल्कुल, आपने आंकड़ों के साथ बताया कि कितनी क्या क्या कार्रवाई किस किस उसमें की गई है, लेकिन इसके बाद क्या असर वहां पर नजर आ रहा है कि चालान काट रहे हैं और सख्त है ट्रैफिक पुलिस, तो लोग थोड़ा सा अलर्ट है कि अगर कोरोना से डर नहीं भी है तो अगर ट्रैफिक पुलिस की जद में आएंगे तो हमारा चालान कट जाएगा, क्या फर्क आया है? सर 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 बिल्कुल कानून का असर है, कानून को महसूस करते हैं कि हमने जानबूझ के लापरवाही की तो कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है और कानून की कार्रवाई सतत रूप से जारी है और लोगों में इस बात का कानून के प्रति भी एहसास है कि अगर हमने जानबूझ के इस चीज की पालना नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाती है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो ये आंकड़े इस बात के साक्षी है सर। ठीक है, चलिए कार्रवाई की जा रही है और ये आंकड़ों के जरिए नाथू सिंह भाटी जी ने बताया। नाथू सिंह जी आपके पास वापस लौटेंगे, डॉक्टर पंकज गुलाटी का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर पंकज, ठीक है, एक तो वजह ये आपने बिल्कुल
ठीक कहा कि हम किसी एक वजह को नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ इसी वजह से आंकड़े बढ़े हैं, कई सारी चीजें हैं जिस पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत भी होगी, जिसमें सबसे अहमियत रखता है आम जन की जागरूकता। डरे वो कोरोना से कि क्या है, जो लोग फेस कर रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी बहुत ज्यादा तादाद है जो लापरवाह है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात सामने आ रही है, हॉस्पिटल्स को लेकर सामने आ रही है। व्यवस्थाएं सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये शिकायत है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। क्या वाकई में आप तो बेहतर बता सकते हैं कि इंतजाम किस लेवल के हैं अभी, या क्या चीजें जो कमी है जिसके तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखो, मेडिकल व्यवस्थाएं एक लंबा समय लेने वाला चीज़ें हैं जो कि तुरंत के तुरंत नहीं की जा सकती हैं। ये ऐसे नहीं किया जा सकता है कि जब प्यास लगी तब गड्ढा खोदने, कुआं खोदने बैठ गए तो आप सोचें कि आप प्यास से बच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। मेडिकल जो है उसको डेवलप करने के लिए सालों लगते हैं, एक डॉक्टर को बनने के लिए सालों लगते हैं, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। और भी कई सारी चीज़ें आजकल देखने को मिल रही हैं, डॉक्टर्स जैसे जिस तरह से हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, एक एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जाता है। एक जो जिला अस्पताल है उसको बोल दिया जाता है कि कल से आप मेडिकल कॉलेज हैं, इस तरह से डॉक्टर्स नहीं बनाए जा सकते हैं जिस तरह से मुझे लगता है। उनके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम एक डॉक्टर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं तो अब हमारे पास जो हैं अभी उन्हीं में ही हमें समझना पड़ेगा। अब ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता इस चीज़ की है कि जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं हम उन्हें किस तरह से सुचारू रूप से यूज करें। कई सारी चीज़ें आती हैं कि पेशेंट को कोरोना होता है, वो माइल्ड डिजीज़ के अंदर होता है, उसको आराम से घर पर मैनेज किया जा सकता है, बट ये पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में और वो चाहते हैं कि हमें एडमिट कर लें, और वो तब तक एडमिट रहना चाहते हैं जब तक उनका कोविड का रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, या 15 दिन 20 दिन, वो इतने दिनों तक एक बेड को रोके हुए हैं जिससे और ज़्यादा एक बैकलॉग होता है, वो इकट्ठा होता जाता है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम कई जगह देखते हैं कि डॉक्टरों से अभद्रता, चिकित्सा कर्मियों से अभद्रता, ये बहुत एक आम सी बात है जिसको लोगों को समझना होगा कि वो ये करेंगे तो इससे उनकी व्यवस्थाएँ और ख़राब होंगी। जो बिल्कुल अहम बातें आपने कही, और इसे भी आमजन को भी ध्यान में रखना है, जो पॉजिटिव हुए उन्हें भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लापरवाही बहुत भारी है जो महामारी पर भी भारी पड़ रही है, और ऐसे में जरूरत है तो आपके सजग रहने की। आप लाख कोसते रहे व्यवस्थाओं को, लाख कोसते रहे सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ होगा भी, लेकिन अगर आप ही पहले अलर्ट हो जाएंगे, आंकड़े बढ़ेंगे ही नहीं तो इतनी जरूरतें पड़ेंगी ही नहीं व्यवस्थाओं की। और ये जरूर नजर आ रहा है कि बाजार में बेखौफ होकर आप घूम रहे हैं, आप कोरोना से डरना नहीं चाहते हैं, आप मास्क लगाना नहीं चाहते हैं, और लगाते भी हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए गले में टांग के रखें, और इससे कोरोना से आप बच नहीं पाएंगे। और याद रखिए, अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके साथ आपका पूरा परिवार पॉजिटिव होगा, और किसी की जान पर भी भारी पड़ सकता है ये लापरवाही। तो ध्यान रखने की जरूरत आपको है, लेकिन उम्मीद यही करते कि जल्द से जल्द कोरोना के आंकड़े कम होते हुए नजर आए, वैक्सीन आ जाए तो राहत पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को मिलेगी। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।